तो हाय एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं हूं वैशाली और जीके एंड करंट अफेयर्स मेंटर, वेलकम टू सीयूटी बाय अटू 24/7। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द 10 मिनट शो फटाफट से। सो एक बार फटाफट से सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। एंड दिस सेशन इज यूजफुल फॉर ऑल योर एग्जामिनेशन। लेट्स स्टार्ट दी 10 मिनट शो जीके एंड करंट अफेयर्स। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द रीसेंट डेटा, women's participation इन मनरेगा हैज इंक्रीज टू व्हाट परसेंट? हाल ही के आंकड़ों के अनुसार मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर कितने प्रतिशत हो चुकी है? सो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 59% होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। अभी जो पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हुआ है, जो कि रिपोर्ट को रिलीज किया गया था, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विमेंस जो पार्टिसिपेशन है मनरेगा में, ये इंक्रीज हो चुका है 59.25%। ये जो पार्टिसिपेशन है ये हाईएस्ट रहा है लास्ट 10 ईयर्स में। पार्टिसिपेशन, अगर हम इस पार्टिसिपेशन की बात करें तो जो रेट है महिलाओं का मनरेगा में वो 22-23 में 57.4% था। ठीक है, तो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। केरला की बात करेंगे, हाईएस्ट पार्टिसिपेशन है विमेंस का मनरेगा में, और अगर हम केरला की स्पेसिफिकली बात करें तो 89% है। तमिलनाडु दूसरे रैंक पर है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पीएम विल फ्लैग ऑफ द अमृत भारत ट्रेन ऑन December 30 फ्रॉम विच स्टेशन? फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रधानमंत्री 30 दिसंबर को अमृत भारत ट्रेन को किस स्टेशन से हरी झंडी दिखाएंगे? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है? इसका करेक्ट आंसर अयोध्या होगा। ठीक है, अयोध्या रामनगरी। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अभी क्या हुआ है, जो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि रेलवेज ने अनाउंस किया है प्राइम मिनिस्टर कि ये फ्लैग ऑफ करेंगे, प्राइम मिनिस्टर फ्लैग ऑफ करेंगे अमृत भारत ट्रेन अयोध्या से 30 दिसंबर को। ये पहला अमृत भारत ट्रेन होगा। अमृत भारत ट्रेन ये पुश पुल टेक्नोलॉजी पर चलेगा। पहला अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन ये रन किया जाएगा अयोध्या से दरभंगा बिहार में, और अगर हम सेकेंडली बात करें तो सेकेंड वाला जो होगा वो बेंगलुरु से मालदा जाएगा। ठीक है, और जल्दी जल्दी ये इसकी जो स्पीड है वो पिकअप करेगी। ठीक है, ये बहुत यहाँ पे टाइम भी बचाएगा। और अगर हम पहले दो अमृत भारत ट्रेन की बात करें तो ये नॉन एयर कंडीशनल है, एयर एसी नहीं है इसमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वेयर इज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स इन द कंट्री अकॉर्डिंग टू द रीसेंट डेटा? हाल ही के आंकड़ों के अनुसार देश में क्रिप्टो करेंसी निवेशकों का प्रतिशत सबसे अधिक कहाँ पर है? तो आंसर यहाँ पर दिल्ली होगा। दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा देखते हैं रिसेंटली क्या हुआ है। जो कंट्री का क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट फिगर्स है ये सामने आया है। इस फिगर्स के अकॉर्डिंग जो दिल्ली है वो हाईएस्ट परसेंटेज इसका है क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स का कंट्री के अंदर। और अगर हम बात करेंगे दिल्ली 88.8% टोटल क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर है। दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई ये 20% टोटल क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारे कंट्री के अंदर अगर देखा जाए तो। गाजियाबाद ने ओवरटेक किया है पटना को एट दी 10th पोजिशन इन द लिस्ट ऑफ टॉप इन्वेस्टमेंट सिटीज़। और अगर हम बात करें दिल्ली और हैदराबाद की, इसका हाईएस्ट पार्टिसिपेशन है विमेंस इन्वेस्टर्स का। क्या सभी को क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। CS राजन विल बी द न्यू चेयरमैन ऑफ विच बैंक? CS राजन किस बैंक के नई चेयरपर्सन है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक होगा। कोटक महिंद्रा बैंक। अभी जो रिसेंट अनाउंसमेंट हुआ है उसमें CS राजन ये नए चेयरपर्सन बन चुके हैं कोटक महिंद्रा बैंक के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कंसर्न दिया है इनके अपॉइंटमेंट का। राजन की बात करेंगे, ही वॉज अपॉइंटेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक अक्टूबर 2022 में। साथ ही साथ CS राजन का जो टेन्योर है ये जनवरी 1st 2024 से स्टार्ट हो गया है। इनका जो अपॉइंटमेंट है ये 2 साल के लिए किया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक ये स्टैब्लिश हुआ था 1985 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड फीस्ट सॉफ्टवेयर? हाल ही में किस संस्था द्वारा फीस्ट सॉफ्टवेयर का निर्माण यहाँ पे किया गया है? करेक्ट आंसर यहाँ पे इसरो होगा। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली क्रिएट किया है फीस सॉफ्टवेयर। ये जो सॉफ्टवेयर है ये परफॉर्म करेगा फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस। जितने भी आपके वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे रॉकेट के हो गए, या सैटेलाइट्स के हो गए, बिल्डिंग्स के हो गए, एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सो गाइज, आई वुड लाइक टू टेल यू कि यहाँ पर हम एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं, एंड ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। जस्ट वेट गाइज, यहाँ पर अंडर 24/7 का पूरा ऑल टाइम मैक्सिमम बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप यहाँ पे सारे बैचेस पर हुआ है। ठीक है, एंड इफ़ यू लिटरली वांट टू प्रिपेयर वेल फॉर यूजी एंड पीजी एग्जामिनेशन, what you can do is you can go and have these batches. ठीक है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. ये देखो बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप, बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप दिख रहा है, बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप है. जो बैचेस आपको 6,000 5,000 7,000 में मिल रहा था, ये अभी आपको मिल रहा है. ठीक है, कम प्राइजेस पर. देखो अगर इसकी बात करें, मेरा कूपन कोड यूज करना Y455 और अप्लाई कर दोगे. जैसे ही आप अप्लाई करोगे ना, यहाँ पर देखो 4, ये बैच आपको 6,000 में मिल रहा था, ये अभी 5,000 में मिल रहा है. ठीक है, देखो पहले ये वैसे 7,000 8,000 में था. पहले प्राइस ड्रॉप के बाद ये हुआ कितना, क्या बोलते हैं, इस बैच का प्राइस था 6,000 समथिंग अप्रॉक्स टू 7,000, अभी 5,000 है. मतलब काफ़ी प्राइस ड्रॉप हुआ है. वही आपके सारे बैचेस पर हुआ है, महापैक्स पर भी हो गया है. महापैक्स तो आपको 7,000 कुछ में मिल रहा है आफ्टर अप्लाइंग कूपन कोड. कौन सा कूपन है ये, Y455. ठीक है, ये कूपन कोड आपको यूज़ करना है, ये वाला, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस कूपन के लिए. मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कूपन कोड आपको यूज़ करना है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं. रिसेंटली हु हैज अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ HDFC बैंक? बताइए करेक्ट आंसर, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. हाल ही में HDFC बैंक के गए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर या विल बी बी, अतानु चतुर्वेदी को. अतानु चतुर्वेदी. चलिए थोड़ा सा देखते हैं. अतानु चक्रबोर्ते, चतुर्वेदी कह रहे हैं चक्रबोर्ते, अतानु चक्रबोर्ते ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन बन चुके हैं HDFC बैंक के. HDFC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में. ये लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है. HDFC को स्टैब्लिश किया गया था 1993 में. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विल सेट अप अ कंसुलेट जनरल इन सिटी ऑफ न्यूजीलैंड. भारत न्यूजीलैंड में किस शहर में महावाणिज्य दूतावास स्थापित कर रहा है, करेगा? आंसर यहाँ पर ऑकलैंड होगा, ऑकलैंड. ठीक है, चलिए अभी जो रिसेंट अनाउंसमेंट हुआ है, इंडिया सेटअप कर रहा है कंसुलेट जनरल कहाँ पर, आपके ऑकलैंड न्यूजीलैंड में. यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है कि ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं कंसुलेट जनरल ऑकलैंड में. कंसुलेट जनरल ये कंप्लीट और फंक्शनल है, एक साल के पहले ये मतलब पूरी तरीके से फंक्शनल हो जाएगा. इंडिया करेंटली इंडिया के पास अभी प्रेजेंट में कंसुलेट है ऑकलैंड में. ठीक है, चलिए ऑकलैंड की बात करेंगे. ये लार्जेस्ट सिटी है न्यूजीलैंड में, कैपिटल है अगर हम कैपिटल की बात करेंगे, न्यूजीलैंड का कैपिटल क्या है? वेलिंगटन. नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हैज़ अनाउंस टू डी रिकोगनाइज विच डिग्री? कौन सी डिग्री को डी रिकोगनाइज करने का फैसला लिया है? एमफिल को. हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने किस डिग्री को मान्यता खत्म करने की घोषणा की है? एमफिल की मान्यता खत्म करने की घोषणा यहाँ पर कर दी है. एमफिल का मतलब होता है मास्टर ऑफ फिलॉसफी. ठीक है, फिलॉसफी. अभी अगर हम बात करें, अभी रिसेंटली जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने फैसला लिया है कि ये एमफिल की डिग्री को डी रिकॉग्नाइज कर देगी, मतलब इसकी कोई मान्यता नहीं रह जाएगी. और बेसिकली एमफिल की बात करेंगे 2 साल का पीजी होता है, ये एकेडमिक रिसर्च डिग्री है ये, और जो PhD के बराबर माना जाता है. ठीक है, चलो आगे बात करेंगे. अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल रिपोर्ट, which country will become the world's largest economy by the end of 21st century? विश्व आर्थिक लीग टेबल रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 21वीं सदी के अंत तक विश्व का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? आंसर यहाँ पर इंडिया होगा. प्यारा भारत इंडिया. चलिए थोड़ा सा देखते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक लीड की जो टेबल रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो पब्लिश किया गया है सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च के द्वारा, इस रिपोर्ट में बोला गया है कि इंडिया ये बेटा वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी. ठीक है, और GDP की बात करेंगे 90% लार्जर है चाइना और 30% लार्जर है अमेरिका से. ठीक है, चलिए सो गाइज वी हैव फिनिश्ड दिस 10 मिनट शो. सो अभी मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, प्राइस लिटरली डाउन हो चुका है. यूजिंग कूपन कोड Y455 यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ऑल दी बैचेस. ठीक है, तो न्यू ईयर अगर आपको स्टार्ट करना है अच्छे तरीके से, हैव दिस बैच विद यू, स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑफ फुल स्विंग एंड गिव योर सिलेक्शन दिस ईयर. ठीक है, 2024 में. चलिए सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन ऑफ टुडे. आई होप यू लव दिस सेशन. मिलते हैं कल वीकली करंट अफेयर्स में. अंटिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल.